हे गाइस, मेरा नाम है रोशन। आप देख रहे हैं टेकी टेकी चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ अमेजिंग डील जो चल रहे हैं अभी फ्लिपकार्ट में आईफोन के ऊपर, आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14। तो इसमें जो गजब गजब का डील आपको मिलेगा वो मैं आज आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको लेना चाहिए, क्या अच्छा रहेगा, क्या इस डिस्काउंट है, क्या प्राइस है। और आपको अगर छपरी बनना है तो उसके लिए भी एक फ़ोन है, वो भी ऑफर में आया हुआ है। खैर, वो ले सकते कि नहीं ले सकते ये सब मैं वीडियो में अंत में बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखें, मेरे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। चलिए आगे बताते हैं आपको क्या iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14। खैर, 15 तो अभी नया लॉन्च हुआ तो इसमें आपको किसी प्रकार का कोई ऑफर देखने को नहीं मिलेंगे। तो iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 में क्या गजब ऑफर है और क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, क्या कार्ड इसमें लगा सकते हैं, ये सब कुछ मैं आज वीडियो में बताऊंगा। जो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर चल रहा है काफी जबरदस्त सेल, जो कि 8 तारीख से शुरू होने वाले हैं। अगर आप अर्ली एक्सेस लेना चाहते हैं तो आप अगर जैसे उसका प्लस मेंबरशिप अगर है तो आपको 7 तारीख से ही मिल जाएगा रात 12 बजे से, बल्कि नहीं तो फिर 8 तारीख से आप इंतजार कर सकते हैं। 8 तारीख से आपको काफी अच्छे अच्छे अमेजिंग डील देखने को मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर। ये जो सेल चलेगी 8 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चलेगी। और जैसा कि मैंने बताया, इसका में अगर आप प्लस मेंबर है तो आपको 7 तारीख से ही ये देखने को मिल जाएंगे रात 12 बजे से। सबसे पहला डील आपको आईफोन 12 के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि कुछ बहुत सारे वेरिएंट में है, बल्कि इसका जो 64 वेरिएंट है उसको इस प्राइस रेंज में रखा गया है, ऑफर में रखा गया है। इसका इफेक्टिव प्राइस आपको वो देखने को मिल सकती है 38,999 रुपये। बल्कि अगर आप ऑफर कार्ड छाट करेंगे, जैसे कि बैंक ऑफर, अगर आपका कार्ड ऑफर जो है वो है 3,000, उसका फिर स्पेशल में जैसे क्या आपको मैं कल वीडियो बनाया था, आप वीडियो देखे कि नहीं देखे एक बार जाके देख लीजिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए यार, आप लोग बहुत टेंशन देते हैं। चलिए ठीक है, तो उसमें जैसे आपका जो एक्सचेंज ऑफर है अगर वो लेंगे तो उसमें भी आपको 3,000 ऑफ देखने को मिल जाएंगे, तो 3 और 3 हो जाएंगे 6। तो आपको आईफोन 12 इस फ्लिपकार्ट में 64 GB वेरियंट वाला आपको 32,999 में देखने को मिल जाएगा। खैर, ये 33,000 में कह सकता हूँ, तो क्या 33,000 में ये इनफ है कि नहीं है? जैसे इसमें 64 GB आपको देखने को मिल रही है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको फोटो लेने या फिर बाकी अदर और भी किसी चीज़ में जहाँ आपको स्टोरेज की नीड होती है वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसमें, पर लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो और भी कोई फ़ोन जो आप अगर अच्छे फ़ोन लेने की सोच रहे हो तो मैं तो कहूँगा कि एंड्रॉयड से बढ़िया आप आईफोन ले लें। आईफोन 12 कुछ बुरा ऑप्शन नहीं है, ये आपको 5G फ़ोन है, इसमें अच्छी कैमरे आती है, अच्छी बैटरी आती है, OLED डिस्प्ले आता है और भी तरह तरह का बहुत अच्छा इसमें है जो आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं आईफोन 12 में। तो अगर आप 33,000 में अगर लेना चाहते हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, और नहीं तो अगर आप एक्सचेंज नहीं करेंगे, आपके पास कोई पुराना फ़ोन नहीं है, जैसे कि पुराना फ़ोन अगर आपको एक्सचेंज करना चाहते हैं तो कल मैं सिस्टम बता दिया था एक्सचेंज का क्या सिस्टम है, तो अगर आप एक्सचेंज करना नहीं चाहते हैं तो आप पुराना फ़ोन अपने पास ही रखिए, तो आपको इसमें लगभग 36,000 रुपये लगाने सकेंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि 36,000 के लिए भी ये फ़ोन कुछ गलत नहीं है, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज में आ रही है। और आप अगर 3,000 भी नहीं डिस्काउंट ले पाएंगे, जैसे कि बैंक जो बैंक कार्ड है आपके पास कोटेक का होना चाहिए, एक्सिस का होना चाहिए, ICICI का होना चाहिए, अगर ये 3 कार्ड है तो आप 3,000 भी डिस्काउंट ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे आपको 39,000 रुपये ही लगाने पड़ जाएंगे। ऐसे और कोई देख सकते हैं कार्ड में, अगर आपके नोटिफिकेशन में हो तो और कोई कार्ड में आप इसका ऑफर ले सकते हैं। जो डील है वो आईफोन 13 के ऊपर। अगर आपको आईफोन 13 लेना है इस सीजन में तो आपको अमेजोन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट में आपको आईफोन 14 और 14 प्लस और आईफोन 12 देखने को मिलेंगे। अगर आपको आईफोन 13 की चाहत है, आप इस साल लेना चाहते हैं इस ऑफर में, तो आपको अमेजोन की तरफ जाना पड़ेगा। अमेजोन में इसका प्राइस इफेक्टिव प्राइस जो कि होती है 60,000 इसकी मेन प्राइस, इसको घटाकर ये सीधा 40,000 के अंदर रहने वाली है। तो 40,000 के अंदर भी इसमें कुछ ऑफर लगा के हैं, अगर आपके पास SBI कार्ड है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, इसमें आप ऑफर आराम से ले सकते हैं। 40,000 के अंदर ये काफ़ी अच्छा मैं कह सकता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी डील है आईफोन 13 के ऊपर। इसमें आपको जो कैमरे की जो मॉड्यूल चेंज है वो मिल जाएगी, अच्छा मैग्सेफ इसमें मिल जाएगा, अच्छा स्क्रीन मिल जाएगी, अच्छी बैटरी मिल जाएगी, तो काफ़ी यूजर्स की तरफ से काफ़ी अच्छी है। और एक इसमें आपको अगर अमेजोन से आप लेते हैं तो आपको एक और फायदा होगा कि फ्लिपकार्ट जो आते थे वो आपके घर आके बॉक्स ओपन करके आपको दिखाते थे, तो सारा आपका जो अनबॉक्सिंग का जो मन चाहा ये रहता था, एंजॉयमेंट वो खत्म हो जाता था। पर कि अमेजोन वाले ऐसा नहीं करते, अमेजोन वाले आपको आपके आप हैंड में वो सीधा बॉक्स ही देंगे। तो अगर आप एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आईफोन 13 की तरफ आप जाना चाहते हैं तो आप अमेजोन में जाके एक बार जरूर देखें, वहाँ पर आप SBI का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड लेके आप बैठे रहें, तब जाके आप उसे ऑर्डर करें तो आपको आराम से उसमें काफ़ी अच्छे डील मिल जाएंगे। ऐसे 40-42,000 भी अगर आते हैं आईफोन 13 तो इसमें कुछ खराब डील नहीं है, क्योंकि अदर और भी जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें आपको आईफोन 13 काफ़ी अच्छे निकल कर आता है। ऐसे इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट, इसमें स्क्रीन, इसके कैमरे, इसमें काफ़ी कुछ, इसमें 128 GB वेरियंट है, जैसे 12 जो है इसमें 64 GB का था, इसमें आपको 128 GB का वेरियंट का ऑफर में दिखेंगे, तो आप आईफोन 13 की तरफ जा सकते हैं। अगला डील है दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आईफोन 14 और 14 प्लस पे। तो आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस का दाम आपको
अंदर 60,000 के अंदर होने वाला है दोस्तों। आपको जैसे अगर मैं बता दूं 50,000 से अंदर, अगर आईफोन 14 का बेस वेरिएंट लेते हैं 128 GB, तो आपको 50,000 के अंदर है। तो गैस प्राइस अभी दिख रहा है आपको, हो सकता है 49, हो सकता है 48, हो सकता है 47, ये सब बैंक डिटेल्स, बैंक आपके जो कार्ड है उसको लगा के मिलेंगे। आप ये नहीं सोचे कि डायरेक्ट आप हाथों हाथ खरीद लेंगे 50,000 के अंदर आईफोन 14 प्लस 60,000 के अंदर होने वाले। 60,000 के अंदर आपको आईफोन 14 प्लस मिल जाएंगे और 50,000 के अंदर आपको आईफोन 14 देखने को मिल जाएंगे, जो कि दोनों का वेरिएंट 128 GB से स्टार्ट होगा। अगर आप फ्लिपकार्ट में अगर जाके इसे लेंगे तो आपको कुछ प्राइस जैसे है कि आपको अगर जो तीन कार्ड मैंने बैंक कार्ड बताया, फिर एक्सचेंज हो पाया, तो ये सब लगा के 50,000 के अंदर है। आप बेवकूफ़ ना बने, आप इसको मान के चले कि मैं 60,000 के अंदर में आईफोन 14 लूंगा। आईफोन 14 अगर आप सोच रहे हैं कि 50,000 के अंदर आ जाएगा तो मैं इसे परचेज कर लूंगा, तो आपको कुछ कुछ क्राइटेरिया है, बैंक कार्ड है, अब एक्सचेंज ऑफर है, फिर हर कोई तो बैंक कार्ड या फिर हर कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं लगा सकता। बल्कि आप अगर दोस्त यार आपका है, आपको आईफोन 14 प्लस लेने की चाहते, तो आप कार्ड जरूर लेके बैठे, आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकती है इसमें। अगली डील है दोस्तों, जो कि छपरी लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, आपको भी पसंद आएंगे या फिर कोई और लोग लेना चाहते हैं, जो काफ़ी स्मार्टफोन को दुनिया में थोड़ा सा अलग इन्वेंशन लेकर आया, वो है नथिंग फोन में अभी आपको 23,000 में देखने को मिल जाएंगे, जो कि 28,000-29,000 इसका वेरिएंट के प्राइस था। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 24,000 आप अगर इस फोन में लगाएंगे नथिंग फोन में, तो नथिंग फोन का जो थोड़ा सा पीछे का जो आपका है, जो आपको लाइट जो आपको इफेक्ट करता है, वो आपको कुछ दिन में आप ही को बोर लगने लगेगा, आपको बेइज्जती महसूस होने लगेगी, तो आप नथिंग फोन की तरफ ना जाए। और भी एंड्रॉइड बहुत सारे फोन है, वीवो, ओप्पो, एप्पल का तो खैर आईफोन 11 अगर आप लेना चाहते हैं इस प्राइस रेंज में आपको आईफोन 11 मिल जाएगा, बल्कि नहीं कि उसमें 4G रहेगा, 5G नहीं रहेगा। तो मैं तो कहूँगा थोड़े से पैसे और लगा लें और आप चल जाए आईफोन 12 की तरफ। और एक दोस्तों बात मैं बता दूँ आपको, आप प्राइस रेंज में इस आगे क्यों नहीं भागे कि जैसे आप आईफोन 12 लेने का सोच रहे हो तो अरे यार 10,000 और लगा देते तो आईफोन 13 हो जाता है, आईफोन 13 लेने की सोच रहे हो तो अरे यार 10,000 और लगा देते तो आईफोन 14 हो जाता है। तो इस चीज़ में मजा, आप एक बार अपना निश्चिंत कर ले कि आपको कौन सा लेना, आईफोन 12 लेना, आईफोन 13 लेना, आईफोन 14 लेना है, तो आप उस हिसाब से उस प्राइस में एक प्राइस सेट कर ले और आप उस प्रोडक्ट को परचेज करें, ताकि आपको भी आगे जाके दिक्कत ना हो। नहीं तो आप आईफोन 13 और आईफोन 14 जो दोनों का जो फर्स्ट वेरियंट है 128 GB वाला, प्रो मॉडल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आईफोन 13 आईफोन 14 दोनों में सेम चिप है, तो मैं तो कहूँगा कि आप आईफोन 13 ले ले, इसमें अच्छा प्राइस में भी आ रहा है। और वो आईफोन 14 अगर आप लेंगे तो फिर आपको वही 50 से 60,000, मतलब 55-56 कुछ इस तरीके प्राइस लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो गैस नहीं हुआ है प्राइस इसका। और एक बात करते दोस्तों, एप्पल का एक आईपैड जो कि काफ़ी चर्चा में अभी रह रहा है, वो आपको 20,000 के अंदर देखने को मिल जाएंगे सारे ऑफर लगाकर। तो अगर आप ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो आपको 27,000 का पड़ेगा, वो 26,000 का पड़ेगा, लेकिन आप सारे ऑफर लगा लेते तो आपको 19,999 में पड़ जाएंगे एप्पल आईपैड 9th जनरेशन 64 GB वेरियंट वाला, सबसे लो वेरियंट वाला आपको 20,000 के अंदर। अगर आप एप्पल का टाइप का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये जो डील में बताया आपको, आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14, 14 प्लस, नथिंग तो साइड कर दीजिए, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को, पर ये ऑफर में थी तो मैं आप लोगों को बता दिया। अगर आप टैब लेना चाहते हैं तो टैब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं एप्पल का। ऐसे मैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि टैब आपको कौन सा इस डील में टैब लेना अच्छा रहेगा, सैमसंग का, ओप्पो का, एक आया है अभी बहुत सारा टैब आ गया है, तो एप्पल का भी अच्छा अच्छा प्राइस में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ कुछ जो टैब है जो मैं आपको अगला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप उस जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा। फिलहाल तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।